दर्जन शोभा यात्रा के दौरान आगे बढ़ने की होड़ में दो पक्ष के बीच हुए विवाद के बाद पथराव और तोड़फोड़ के मामले में फरार तीन आरोपितों को पुलिस और ACCU की टीम ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने नाबालिग समेत करीब 20 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि 6 अक्टूबर की शाम शहर में विराजित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था। यह सिलसिला दूसरे दिन सुबह तक चला। 7 अक्टूबर की सुबह चिंगराजपारा के मां आदर्श दुर्गोत्सव समिति के सदस्य रिवर व्यू रोड होकर सिम्स चौक पहुंचे। इसी दौरान कुदूदंड के शिव दुर्गोत्सव समिति के सदस्य भी विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर सिम्स चौक पहुंच गए। आगे बढ़ने को लेकर दोनों पक्ष के बीच विवाद हो गया। इस दौरान नवीन तिवारी और उसके साथियों ने चिंगराजपारा के दुर्गोत्सव समिति के सदस्य और उनके वाहनों में पथराव किया। इसके बाद सुबह 6 बजे से चिंगराजपारा के युवकों ने कुदूदंड के युवकों और उनके वाहनों में पथराव कर मारपीट की। दोनों पक्ष ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। इस पर पुलिस ने हत्या के प्रयास बलवा समेत अन्य धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपितों की धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और न्यायालय में पेश किया गया। इसमें नाबालिग भी शामिल थे। वहीं नवीन तिवारी, जिसकी उम्र 32 वर्ष निवासी कुदूदंड, पंकज कुमार मीरे 26 वर्ष निवासी राजघराना कॉलोनी, मनीष वर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी आनंद नगर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। मंगलवार की रात पुलिस ने उनके ठिकानों पर दबिश देकर फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया है। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने 1.5 दर्जन से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस दौरान उनका सदर बाजार स्थित घटना स्थल के पास जुलूस भी निकाला गया। बुधवार को फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस तीनों आरोपितों को उसी रास्ते से पैदल कोर्ट तक लेकर गई।